पापा आपको डांटेंगे, मेरे को नहीं डांटेंगे। दिखाओ क्या है आपके पास, क्या था आपके पास? पापा लाए, क्या लाए थे पापा आपके? पापा लाए, बताओ इनको क्या लाए। पापा लाए हेलो गाइस, पापा लाए। क्या करोगे इसका? पापा लाए इसका क्या करोगे बताओ? ये ये क्या काम आता है? ये क्या काम आता है आपके हाथ में जो है? हाथ है ये है ना, हाथ के हाथ में ये क्या काम आता है? ये काम आता है, ये आंख फूट जाएगा तो आपका फूट गया। हां फूट जाएगा, फूट लाओ मेरे को दे दो, बाय कर दो, बाय। गाइस जाले धूम से मैंने ले लिए हैं पूरे अच्छे से, और एक बार इसको गीले कपड़े से पट्टी को और टाइल्स को मैंने पोंछ लिया है, और अब मैं लिक्विड जो सॉल्यूशन आता है इससे टाइल्स को और अच्छे से साफ कर रही हूँ जिससे वो चमक जाए। वैसे तो मैं 15-20 दिन में एक बार साफ ढंग से कर लेती हूँ इसी सॉल्यूशन से, अभी इससे साफ़ करने से ये काफ़ी अच्छा चमक जाएगा। ये सामान तो सारा निकाल ही दिया पट्टी का, ऊपर वाली का और नीचे वाली का, अभी मैं इसको फ्री करके फिर खाली कर लूँगी। बाकी जो बड़े सामान थे सामने वाली रैक में रखे हुए, तो वो मैंने सब बाहर निकाल दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग की हुई है, इसलिए थोड़ा स्पीड से दिख रहा है आप लोगों को, तो माइंड मत कीजिएगा। देखिए आप लोग, जब तक मैं कुछ काम और कर लेती हूँ अपना। जो भी डब्बे वगैरह हैं स्टील के, प्लास्टिक के, और ये मसाले की डिब्बियाँ वगैरह, इनको मैंने सर्फ का पानी किया हुआ है और विम बार भी रखा हुआ है, तो उससे मैं साफ़ करती जा रही हूँ साथ के साथ ही। और सामने की साइड में अगर धूप आ रही है तो मैं उधर ही रखती जा रही हूँ, तो ये फटाफट फटाफट सूखते भी जाएंगे। प्लास्टिक डब्बे, स्टील के डब्बे जो भी हैं वो सब मांजे से फटाफट फटाफट साफ हो रहे हैं। पानी गर्म करके रख, गर्म पानी में सब डाला हुआ है तो साफ जल्दी हो जाएंगे उससे। वैसे डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं 15-20 दिन में इनको साफ करती रहती हूँ, और डेली भी मैं जैसे काम जो जो डब्बे मेरे हाथ में आ रहे हैं उनको कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछती जाती हूँ, तो एक दो दिन में ये चीज़ें मेरी होती रहती है, तो चिकनाई वगैरह मेरे डब्बों पिन पे नहीं जम पाती है, तो सब ऑलरेडी पहले से साफ़ है। लेकिन एक ही होता है दिवाली की सफाई है, तो चलो एक मन का वो रहता है कि हाँ चलो ढंग से इनको मांस दें, तो वो है नहीं तो मैं वैसे भी 3-4 दिन में एक डब्बा मेरे हाथ में आता रहता है, जो भी डब्बा हाथ में आता है उसको मैं क्लियर साफ़ करती रहती हूँ। साथ में मैं जो पॉलीथिन्स वगैरह है जो मैंने रैक्स में लगा रखी थी प्लास्टिक की, तो इनको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी, और जो रैक है इसको भी मैं बस अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। एक बार मैं पोंछ चुकी पहले, लेकिन फिर एक बार मैं साफ़ कर लूँगी, जिससे जो भी इसमें बारीक बारीक कीड़े वगैरह कुछ हो तो वो चलो इसमें पोछे में आ जाएँ। बस मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये प्लास्टिक थैली डबल करके मैंने लगाई हुई थी, तो मैं अभी इसको काट के सिंगल करके ही लगा दूंगी पूरी में, क्योंकि तो इतनी गंदी हो नहीं पाती, इसलिए बस थोड़ा सा धूप मिट्टी का रह जाता है, तो ये उस हिसाब से ठीक है, आराम से एडजस्ट हो जाएगी पूरी बारी के अंदर। अब बस जो सामान सूखते जा रहे हैं मैं उनको साथ के साथ जमाते भी जा रही हूँ, और जो हल्का फुल्का गीला है उसको कपड़े से हल्का सा साफ़ करके गीलेपन को और
जमा दूंगी, जिससे फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सामान समेटने में। तो बस साथ के साथ एडजस्ट होता जा रहा है, जिससे फिर लास्ट में जो बचेगा वो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ अब मुझे करनी है, क्योंकि बाहर भी थोड़ा सामान रखा हुआ है वो भी मुझे अभी एडजस्ट करना है अंदर ही। मिक्सी वगैरह हो गए, आटे के डब्बे वगैरह हो गए, और भी कुछ बड़े सामान जो पैक वाले हैं वो भी रखे हुए हैं बाहर ही, तो सब मैं धीरे धीरे एडजस्ट करूँगी। पहले एक बार रसोई वाला सामान सेट कर लूँ, तो जो डब्बे गीले हैं उनको हल्का हल्का पोंछती जा रही हूँ साथ के साथ ही। जयवर्धन और अंशु उधर खेल रहे हैं, अंशु बस यही बीच बीच में मेरे पास आता जा रहा है और बस मम्मी मैं ये कर दूँ, मम्मी मैं ये कर दूँ लग रहा है वो, देखो पीछे की साइड में सफाई करने के अंदर खुद अपनी तरफ से। जयवर्धन को बड़ा शौक रहता है बीच बीच में ये मैं करूँ ये, अभी वो सोच रहा है क्या करना है क्या नहीं, लग रहा है कुछ ना कुछ करता तो कम है, इसकी तरफ से तो ज़्यादा ही करता है, बट होता ही है कि अच्छा करने की कोशिश करता है ये, लेकिन इसके साथ होता ऐसा है कि ये कुछ गलत कर देता है, इन द सेंस कि सामान को फैला देगा तो वो डबल नुकसान हो जाता है या फिर मेरे लिए डबल काम फैल जाता है। डेली का है ये, इसका इस टाइप का कुछ करेगा कि डबल फैलेगा मेरे लिए। पापा आपको डांटेंगे, मेरे को नहीं डांटेंगे। पापा देखो ही मारेंगे बहुत तेज चाटा, उदम आप ही कर रहे हो, आप ही उदम कर रहे हो इतनी तेज तेज। ओ गॉड क्या, पापा आएंगे ना तुम दोनों की पढ़ाई करवाऊंगी आज मैं, बहुत बदतमीज हो गए। नहीं पापा मुझे क्यों मारेंगे बहुत तेज, आपको मारेंगे बहुत तेज, बहुत तेज पापा आपको ही मारेंगे, मेरे को क्यों मारेंगे बहुत तेज, आपको ही डांटेंगे पापा, आपको पापा बहुत तेज डांटेंगे। अरे पहले बताओ मेरी मैगी बन रही है, मैगी खाओगी क्या पूछूंगा इससे। बाय 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 मम्मा, बोलो बाय बाय तो कर दो, बाय बाय और लाइक कर दो, लाइक। मैगी बनाते हैं, लाइक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खंबा गानी सा, और आज हमने कर लिया रसोई की सफाई और वो मैं आगे शेयर कर चुकी हूँ आप देख लेना। अभी मैं बना रही हूँ मैगी और मेरे लिए एक कप चाय, दोनों का काम साथ में हो जाएगा। थोड़ा बहुत सामान रह गया है वो बस ऐसे ही है कि कुछ उसमें से पैकने वाला आइटम, एक्स्ट्रा आइटम्स जो होते हैं वो जो मैं उनको अलग रख दूंगी। अभी बनने दो, काम तो कुछ करना ही देता गाइस, बोलो मैगी खाओगे क्या? मैंने चढ़ा दी एक तरफ मेरी चाय, इधर तन्मय की मैगी, तन्मय की मैगी
सिंपल सोवर बनाऊंगी नॉर्मल मैगी मसाला ऐड करके, और टमाटर प्याज इसके इसमें ऐड नहीं करती हूँ मैं मैगी में, ये बिल्कुल लाइट मसाला लेगा, ज़्यादा तेज मिर्ची ये खा नहीं सकता। दिवाली की सफाई में सब जगहों की सफाई कर लो इतना नहीं पता चलता, बट जब रसोई की सफाई करने आते हैं तो हालत खस्ता हो जाती है। माय गॉड, इतना ज़्यादा रश रहता है रसोई का तो इसका कोई हद नहीं, जबकि हम लोग साफ करते रहते हैं कभी क्या चीज़ कभी क्या चीज़, फिर भी जब रसोई की सफाई करने लगते हैं तो इतना ज़्यादा फैल जाता है। इसकी वजह मैं सुबह लगी थी और मुझे बज गए इस टाइम 4, सुबह शायद 11 बजे के समथिंग, और अभी बज रहे हैं 4 बजे। आप लोग बताइएगा आप लोगों की यहाँ सफाई हो गई क्या, और सबसे ज्यादा सफाई करते वक्त किस चीज में ज्यादा टाइम लगता है, कमरों की सफाई में ज्यादा टाइम लगता है या रसोई की सफाई में ज्यादा टाइम लगता है? हाँ हाँ, चीनी डाल दी, मैगी डालेंगे, मैगी रेडी हो चुका है और चलिए किधर रख दी मैंने, वैसे तो सामान करीब करीब सब सेट हो चुका है, अब छोटी मोटी चीजें रहती है वो एडजस्ट होती रहेंगी। जब सामान निकाल रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था इतना सामान आ कहाँ से रहा, अब सेट हुआ है तब जाके लग रहा है हाँ रसोई थोड़ी खाली तो हुई। आप लोग दिवाली के इसमें क्या क्या कर रहे हैं बताइएगा, दिवाली स्पेशल, मैंने अभी ऐसा कोई प्लान नहीं किया है कि मैं दिवाली के लिए क्या कर रही हूँ, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं क्या अपन लोग करते हैं, पहले से प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। गाइस आ जाइए चाय पी लीजिए, मेरी चाय रेडी हो चुकी है, तलमे की मैगी भी करीब करीब रेडी है, कर दीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे जो भी नोटिफिकेशन मेरी तरफ से दिए जा रहे हैं वो आपको मिल जाए, कोई भी नया ब्लॉग आ रहा है वो आपको मिल जाए, तो बेल आइकन का ऑल का बटन टाइप कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप कीजिएगा, तो मिलते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी तक मेरी मैगी रेडी हो चुकी है, बाय 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 बाय।
अब मैं चाय पी के फिर नहाने जा रही हूँ एक बार। वैसे मैं सुबह नहा चुकी हूँ, मैं 6 बजे के आसपास नहा लेती हूँ, लेकिन आज सफाई करनी थी तो वैसे सफाई कंप्लीट हो चुकी है और अब एक बार मैं नहाने जाऊंगी चाय वाय पी के। रेडी होते हैं फिर, चलो बाय।